I'm just gonna welcome back. This is another day, and we are adjusting to this new dynamics, new routine. मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि अब obviously it's like पहले होता था ना, ठीक है, मिस होगी कोई चीज़, सोना मिस हो गया या अगर सुबह मिस हो गया तो I'll adjust according to you know मेरी routine पूरे दिन में. But now it's like we have to do it क्योंकि कल स्कूल जाना ही जाना है. आज यहाँ 2:30 में या 2:20 पे सोया था और ये तकरीबन 3:15 बजे जो है ना उठा है. तो आई वॉज बट वर्ड, मैं पूरे टाइम जो है ना थोड़ी पैनिकी सिचुएशन में थी. एनी वेज मैंने इसको जगा दिया. अभी नई नई रूटीन है तो मैं इसको थोड़ा सा कोई ना कोई लालच से शुरू करती हूँ, ठीक है. लाइक अभी मैंने उसके लिए कुछ चिप्स थे एंड साथ आई नेवर डू दैट बट आई एम डूइंग दैट. मैंने कहा चलो रायन देखते हैं. या डू यू लाइक दिस? थोड़ा सा ग्रम्पी था पर अब मूड उसका सही हो गया. सो ही जस्ट गोना फिनिश दिस विद रायन एंड इसके बाद फिर हम एक एक्टिविटी करेंगे. The prayer mat. So guys, this is the activity. Just four. Only four? 1, 2, 3, 4. Yeah, you're right. So Yaya is a detective and Yaya is going to help me to find all these things. I don't know how many they are. So yahan pe Yaya count karega, prayer mats count kiye, yeah, and yahan pe is pretending. Pretending to good. Yeah, I'm pretending, yeah. And then stars kitne the wo count kiye jo mujhe lagta hai aise sahi nahi kiya, lekin main itna shade nahi rahi is time. Oh yeah, what is that? Those are dates? Are those dates? Ramadan dates? Also four, look. Only four of those? So guys, ये मैंने लिया था Twinkle. एक टाइम था कोविड में जब ट्विंकल ने अपनी कुछ चीज़ें ना मुफ्त रख दी थी, वैसे वो प्राइस भी होती हैं, लेकिन वो कोई कुछ दिन थे और इतफाक से मेरी उस पर नज़र पड़ी और मैंने उस टाइम पे ट्विंकल की काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो फ्री उन्होंने रखे हुए थे उन दिनों में कोविड के दिनों में, मैंने वो सारे डाउनलोड कर लिए. पुरानी बात है, मैंने 2 साल. सो द नेक्स्ट एक्टिविटी जो है ना, इसमें मैंने आया को ये वाला जो है आई डोंट कॉल इट अ डायग्राफ या क्या इसे कहते हैं, जो एक साउंड ये भी निकालता है, जैसे ये आर है इसको पढ़ते हैं एंड इसको अर. तो ये वाले जो है ना लॉजिक ऑफ इंग्लिश में अभी ये नहीं आए, लेकिन मैं याया को क्योंकि इसके स्कूल में इन्होंने इसके वर्ड्स इनको कराना शुरू कर दिए हैं, इसलिए मैं इन दोनों की एक्टिविटीज़ इसको पहले कराऊंगी. लॉजिक ऑफ इंग्लिश में अर जो हमने पार्ट बी ख़रीदा है उसमें तो नहीं आ रहा है, बाद में भी आता है कि नहीं. एनी वेज मैंने इसकी गूगल कुछ एक्टिविटीज़ देखी और इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं एवरी थिंग, और मैं याया को फिर अब ये कराऊंगी उसी तरीके से जिस तरह से हमने पहले लॉजिक ऑफ इंग्लिश की एक्टिविटीज़ की है, जिसमें हमने छ की साउंड, श की साउंड एंड एवरी थिंग जो वो वाली एक्टिविटीज़ की है उसी तरीके से हम ये वाला करेंगे. यस, ये दैट स्कूल, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट नाउ. सबसे पहले मैं याया को करवाऊंगी ये वाला अर. व्हाट डू यू से? Look at this. Er. Er. How do you pronounce it? Like this. Er. 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 Okay. Can you write er 3 times on the whiteboard? This is his first activity. This. What's the sound er. Of this? Er. Do you know any word that has er in it? Third. Third. Okay. Like er. Er. So like bird. You see, in bird it has er sound. B, er, d, bird. Can you think of some other word? What about, oh, something that the girls wear. Skirt. Sk, er, t, skirt. See that? Now I'm dictating him some words that has er in it. So yeah, he's writing bird. Hey, what if you read it with all of them with single sounds like b, e, er, do? What is that? Bird. That's wrong. Next word Yaya is writing. Girl. Good. इसके बाद हम ये वीडियो देखेंगे अर साउंड की, जरा और क्लियर हो जाए. As I told you guys, मेरा I'm not an expert in English. I'm also learning with Yaya. So अगर मैं गलत कोई अगर बोल देती हूँ अर, तो I will always correct it. I will show you guys कि हम भी देख के सीख रहे हैं. Okay. Which means there are two letters. It's a diagraph. It has two letters. Yeah, two letters make and one sound. Today, R, I, and R. But you might know them as I and R. So when you see these two letters together, remember they make one sound. They make only one sound. And they make the sound bird. Oh, you did that, bird. Look. तो बेसिकली बच्चों ने ये देखें ये किया है अभी तक इंग्लिश में, सिंपल ABC से उन्होंने शुरू किया. उनके फर्स्ट साउंड बच्चों को बोला भी पढ़ो, ओ से क्या होता है, ऑक्स है, पी से क्या है, प्लेट है एंड ऑल दिस. इसके बाद ये वाला इन्होंने मैचिंग की है
वर्ड्स पढ़ के, एंड क्योंकि याया को आपको पता है रीडिंग आती है, ही कैन फनेटिकली रीड द वर्ड्स. जो नहीं थे वो मैंने उसको घर में पहले से बता दिया था कि ये जो है नोज है, इसके रूल्स हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप बाय साइड कर लो क्योंकि स्कूल में तो हर चीज़ बाय साइड करवाई जाती है. फिर ये जी एक पोम बच्चों ने स्कूल में पढ़ी, फिर ये लिसन टीचर एक वर्ड बोलती थी बर्ड है, तो बच्चे फिर देखते थे बर्ड कहाँ है, फिर उसको सर्कल कर दिया, फिर सर टीचर ने बॉल बोला, देन सर्कल. देन नेक्स्ट पेज पे जो है ये देखिए ये बड़े सारे वर्ड आ रहे हैं, आर वाले, अर वाले, देन देयर्स यू आर वाले भी हैं, छ वाले भी हैं, ऑल आर. इसमें से हमने सिर्फ छ वाले किए हैं, ठीक है. तो मैं आपको बेसिकली ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो बच्चे अभी नर्सरी में हमारे स्कूल में, जिस स्कूल में मैंने आया को डाला है नर्सरी में, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ फोनिक्स किए हैं, लाइक वेरी बेसिक फोनिक्स, एंड इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया. सीबीसी वर्ड्स भी कह रहे हैं कि उनको नहीं करवाए गए. अब इमेजिन करें कि वो वाला बच्चा उसके बाद अब जब वो ये कर रहा है तो वो किस तरह किस रूल से करेगा, वो रट्टा ही मारेगा ना बेसिकली. अब आर वाले वर्ड्स और अर वाले वर्ड्स जो हैं जी बच्चों को रीड करवाएं, तो अब हाउ दे नो, इवेंचुअली आ जाता है बच्चों को, लेकिन आई थिंक एक बैलेंस होना ज़रूरी है कि रूल्स के साथ ही बच्चों को थोड़ी समझ होनी चाहिए ताकि वो फ्रस्ट्रेट ना हो, एंजॉय करें. बट एनी वेज हम लॉजिक ऑफ इंग्लिश में भी इस पर नहीं पहुंचे हुए, तो इसलिए मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ करवा रही हूँ. चाहिए मैं एक जो है वो डायग्राफ करवाती हूँ एक दिन में, उसकी हम सिर्फ एक्टिविटीज़ करते हैं, मैं कन्फ्यूज़ नहीं करूँगी. अगर मैंने उसको अर और आर दोनों की आज एक्टिविटीज़ करवा दी तो दिस माइट कॉज अ लिटल कन्फ्यूजन, तो मैं उसको सिर्फ अर वाले करवाऊँगी. खैर है, टीचर रीड करवा दूँगी उसको बुक पे, लेकिन जो वो कहते हैं ना कि अब ये वजह इसको भूलेंगे नहीं, मैंने उसको उस तरह से अर की एक्टिविटीज़ करवाऊँगी इसको जैसे अभी करवा रही हूँ आपके सामने, तो ये इसको इंशाल्लाह भूलेंगी नहीं. सो याया इज़ राइटिंग शर्ट, एंड याया ने मुझसे एक सवाल किया है कि इज़ अर ओनली इन द मिडल ऑफ वर्ड्स. I told them, yes, I think so too. There's no word that starts with ar. कोई वर्ड भी ar से स्टार्ट नहीं होता, ar हमेशा वर्ड्स के बीच में आता है कहीं. Okay, good, show us. Very good. शेयर डिक्टेट करने से पहले मैंने गायों को बता दिया था कि this is an ar word. इसमें ar आएगा. So then he, उसने खुद ही उसके बाद गैस कर लिया कि ar है. The next word that you need to write is skirt. So Yaya is writing dirt. अच्छा, वाइल याया इज़ राइटिंग मैं आप लोग को ये बता दूं कि भाई मैंने ये गूगल करी मैं साथ साथ, क्योंकि मैंने आई आर वाली पहले नहीं पढ़ी हुई. तो भाई इसको हम एक्चुअली कहते हैं आर कंट्रोल्ड वॉवल्स, एंड उसको बॉसी आर भी कहते हैं, कि कभी कभार आर जो है वो बॉसी हो जाता है, एंड देन उसकी जो पिछला वॉवल है उसको, यानी कि आई जो है उसको वो चेंज कर देता है उसकी साउंड. वैसे आई की साउंड ए आई है ना, लेकिन यहाँ पे अ निकल रही है, तो दैट इज व्हाई यू कॉल द आर ए बॉसी आर. तो ये खाली अर वर्ड नहीं होते. मैं बस आप देख रहे हैं बस मैं यही एक्टिविटीज़ कराऊंगी, और एक और मज़े की एक्टिविटी है जिसमें डाइस इन्वॉल्व है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. इज डन विद दिस. कैसे ये फ़ायदा हुआ है जो मैंने घर में पढ़ाया ना, मुझे उस पर स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. बाकी ही नोज के वर्ड को बिल्ड कैसे करते हैं, स्पेल कैसे करते हैं, इसलिए जितने भी मेरी इंग्लिश की जो एक्टिविटीज़ है ना डेज वाली, प्लीज़ आप शुरू से फॉलो करें, उस तरह से करवाएं बच्चे को, एंड देन इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी गुड. गुड, नाउ वी आर गोना प्ले द डाइस गेम. याया जा रहा है डाइस लेने, अपने ऊपर ना गिरा दे. याया नीचे करना चाह रहा है. दिस इज़ द गेम दैट आई मेड गाइस, आपको पहले भी मैंने दिखाई थी, बड़ी सिंपल सी गेम है. साइट वर्ड्स सिखाने के लिए बड़ी अच्छी होती है, लेकिन अभी हम अर के वर्ड्स पे भी और प्रैक्टिस करेंगे. जितना ही इस तरह गेम के थ्रू इनको बार बार देखेगा और लिखेगा इसको, इसकी स्पेलिंग्स जो और अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है, विद रूल्स. वेट अ सेकंड, अगर आपने बच्चों को रूल्स नहीं सिखाए हुए तो तब भी आप ये गेम खेल सकते हैं. अगर आपने बाय साइट इनको करवाना है, जो इवेंचुअली मुझे पता है मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जो मदर्स हैं वो बाय साइट ही करवा रही होंगी, रूल्स शायद बच्चे ना फॉलो कर पाएँ एकदम से इतने सारे रूल्स, तो आप बाय साइट भी अगर आपने रट्टा भी लगवाना है ना, तो उसके लिए भी आई एम सॉरी मैं एडवाइस दे रही हूँ, लेकिन आई नो कि आप लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं और बाय रट्टा ही आपको करवाना पड़ता है, क्योंकि स्कूल्स वाले सही नहीं करवाते और हर मदर जो है वो नहीं करवा पाती रूल्स के साथ, तो उसमें भी आपने क्या करना है, ब्रिंग द टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अब आपने ये रोल किया, या वेट देर इज़ ए नंबर 6 आया है, तो इस पर बच्चे ने देखना है 6 कौन सा है. अच्छा, ये तो दो वन, दो दफ़ा मैंने 1 लिखे क्योंकि वर्ड्स थोड़े ज़्यादा थे, देन 2, 3, 4, 5, ओह देर इज़ ए 6. मैं बच्चे ने 6 आया, तो बच्चे ने क्या करना है, पहले इसको पढ़ना है, इस वर्ड को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसने यहाँ पर लिखना है, सबसे इसके ऊपर वाली जो सबसे पहला है ना इस पर लिखेगा फर्स्ट, फिर वो दोबारा से रोल करेगा डाइस. अच्छा, 3 आया, ओके, 3 पर क्या है जी, डर्ट है, तो यहाँ पर बच्चा डर्ट लिखेगा. फिर इस तरह वो बार बार रोल करता जाएगा और वो लिखता जाएगा साथ साथ, एंड जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा वर्ड लिखते लिखते, वो वाला वर्ड जीत जाएगा. सो दिस इज़ द गेम. इसमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इन वर्ड्स की, को इसको इंशाल्लाह ये दोबारा वर्ड्स बच्चे को नहीं भूलेंगे, चाहे फोनेटिकली करवा रहे हैं आप या चाहे साइट वर्ड. So our stir is winning now. First लिखे हमने, डर्ट लिखे, शर्ट लिखे, एंड वी हैव 3. व्हाट्स ऑन 3? 2.
this. What is this word? B. No. D. It. Good. Move on. स्टर वन, यस, ये हमने स्टर को जो है जिता दिया है बार बार रोल कर करके. नाइस. सो आई गेस दैट विल बी इट. अगर मेरे पास लॉजिक ऑफ इंग्लिश की कोई इसमें रीडर वगैरह होता तो मैं वो या को देती. लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने वो है ना मॉम्स क्या था यार बुक्स करके एक था मैं भूल गई साइट उसकी शायद मैंने एक जो है बुक की भी है प्रिंट की वर्ड्स वाली. सो आई थिंक आई एम गोना टेक दैट आउट एंड या को मैं वो पढ़ाऊंगी. दिस इज द सेंटेंस फॉर डर्ट. लुक आई कैन रीड द सेंटेंस. ओके. Dirt. Look at him, he's in the dirt. Now show Baba this word. This word. You can read it with the sound. Yeah. Girl. So, you go. Read the sentence. Yeah, read the sentence about girl. Okay, whatever. This word is going to be like there. They have a sentence about it, yeah. ओके गाइस, मैंने सोचा कि मैं आपको ये नेक्स्ट डे है मैं आपको ये वाली भी साथ दिखा देती हूँ क्योंकि सेम चीज़ है जिसे आपने अर करवाया इसी तरह आपने बच्चों को आर का कार्ड दिखाना है उसके साथ उसको उन्हें रिपीट करें आपके साथ आर 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 ए एन आर टुगेदर मेक्स अ साउंड आर फिर उसको वाइट बोर्ड पर तीन दफ़ा इसी तरह से आर लिखवाएं. इसके बाद मैंने क्या किया थोड़ा सा फन करने के लिए आर इट्स ईजी आर पढ़ना के लिए गई बुक ये है जी बुक जिस तरह से वो वाली आई आर की बुक थी इस तरह से ए आर की भी मैंने बुक पहले से प्रिंट की हुई थी लेकिन हमने कभी ये पढ़ी नहीं थी क्योंकि हमने अभी रूल्स के में आए नहीं थे तो भी इसे पढ़ी हुई थी प्रिंट करके ना. तो ये देखिए इस तरह से सारे वर्ड्स हैं उसमें आर्ट है फिर यानी खुद पढ़ा सारा कैन यू सी माई आर्ट माई पे उसको नहीं पता था रूल तो मैंने उसको बता दिया एम वाई माई होता है. सो के साइट वर्ड तो आप उसको रटा लगवा लें साइट पर उसको रटा ही मारने होते हैं. दैन यहाँ पे बार्न का सेंटेंस था ये यानी खुद पढ़ा सारा दिस इज़ अ बिग रेड बार्न. अब जो ए आर वाला रूल है ना उसको थोड़ा सा ये एर पड़ता था ए की साउंड ए निकाल के एर्न बैन मैं कहती थी दोबारा से रिमाइंड करवाती थी देखो ए आर साथ हैं तो वो एक साउंड निकलेगी आर की. इस तरह खार का सेंटेंस था देन जार का सेंटेंस है फिर देखिए कितने मज़े का ये पार का सेंटेंस है यार्ड का सेंटेंस है इस तरह से ये आप मेजर्ड मॉम measuredmom.com पे फ्री बुकलेट से पढ़ी नहीं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ये हो गया. इसके बाद मैंने आया को जैसे कल हमने यानी कि पिछली अभी आपने देखी ये वाली गेम की थी हमने रोल एंड लिखने वाली और जो पहले ऊपर पहुँच गया वो दी जाएगा. इसमें भी मैंने दोनों के वर्ड्स मिला लिए आज की जो इसकी जो गेम थी आर की जो गेम थी और सारे वर्ड्स आर के एंड आई आर वाले वर्ड जार खार्ड आई आर का वर्ड बर्ड गर्ल डार्क शर्ट डर्ट पार्क स्कर्ट स्टार एंड खार ये सब मैंने ऊपर लिख दिए ठीक है. और ये यहाँ ने बाद में लिखे है नीचे मैंने नंबर्स लिख दिए 1 से 6 तक डाइस में होते हैं फिर 1 के ऊपर ए आर के वर्ड्स लिखेगा 2 के ऊपर भी ए आर 3 के ऊपर भी ए आर के वर्ड्स 4 पे आई आर वाले अर 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 फिर बच्चा रोल करेगा डाइस पे जो भी नंबर आएगा जैसे कि 1 आया है तो आर का कोई भी वर्ड उसने ऊपर से देखना है जैसे कि आया ने जार वाला देखा उसको उसने स्ट्राइक किया काट दिया फिर यहाँ पे उसने लिख दिया फिर इस तरह वो सारे कटते जाएगा जब पूरे ऊपर सब कट जाएंगे सारे के सारे वर्ड्स फिर जोन सा भी जो है डायग्राफ के जिसके भी वर्ड्स सबसे हाईएस्ट होंगे जैसे हमारा 1 वाला है जो उसके सबसे हाईएस्ट ज़्यादा लिखे गए तो वो वाला जीत जाएगा. तो ये वाली बेसिकली हमने गेम की एंड इसके बाद फिर आर में मैंने ये करवाया याया को कि मैंने उसको ये वर्ड्स डिक्टेट करवाए खार पार्क स्टार जार बार्क चार्ट खार्ट एंड डार्क ठीक है. तो इस तरह से हमारी आर जो डायग्राफ थी उसकी प्रैक्टिस होगी ठीक है. चलिए यार दैट्स
इट फॉर टुडे. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड आपको कुछ समझ आई हो. कुछ ना समझ आई हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो. ओके सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.